कैनेडा सरकार वालों अंतरराष्ट्रीय सफर वास्ते कोविड टेस्ट विच दे दित्ती गई है टेल। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। कनेडा के आवाजाई मंत्री उमार अलगबरा ने बीते कल देश के हवाई अड्डा अंदर विदेशों तो पहुंचण वाले मुसाफरों लिए कोविड 19 टेस्ट की शर्त कुछ नरम करन दा ऐलान किया। 28 फरवरी 2022 तो मोलीकुलर टेस्ट की जरूरत नहीं होएगी, यानी कि PCR टेस्ट ते एंटीजन रैपिड टेस्ट स्वीकार किया जाएगा। सधारण भाषा में अजिहा कहा जा सकता है कि हुण सैकड़े डॉलर जां हज़ारां रुपईयां वाला महंगा अते कई घंटे रिपोर्ट उड़ीकते रहने वाला टेस्ट करवाउण की जरूरत नहीं रही, सगों कनेडा च 40 डॉलर अते भारत विच तकरीबन 500 रुपए विच होण वाला ते नालों नाल रिपोर्ट मिल जाण वाला टेस्ट करवाया जा सकेगा। याद रहे कि कनेडा सरकार वल्लों इह टेस्ट सिर्फ उन्हां लोकां वास्ते है जिन्हां ने कोविड तो बचाओ की मानता प्राप्त वैक्सीन दे वकायदा दोवे टीके लगवाए हुए ने। टीके ना लगवाउण वाले विदेशियों नूं कनेडा च दाखल होण दी आग्या नहीं है अते ना ही अजिहा कोई व्यक्ति देश दे अंदर जां बाहर सफर करन लई कनेडा दे किसी हवाई अड्डे तो जहाज विच बिठाया जा सकता है। मंत्री अलगबरा ने दस्या है कि कनेडा पहुंचण ते हवाई अड्डे अंदर कोविड टेस्ट करन दी शर्त भी हटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की मारू स्थिति विच सुधार होण तों बाद यह फैसला किया गया कि इस दे नाल ही हुण कनेडा वासियों नूं अपनियां सावधानियां वरत के गैर जरूरी कामां वास्ते भी सफर करन दी खुल है अते सरकार वल्लों लोकां नूं सफर करन तों वरजिया नहीं जा रहा। कनेडा भर विच सूबाई अते म्यासपल पद्धर ते वी कोरोना वायरस दीआं शर्तां पड़ावार नरम कीतीआं जा रहीआं ने, जिस विच 1 मार्च तों समागमां जां कारोबारां च दाखल होण समें वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाउण दी शर्त खत्म करना शामिल है। पर जहाज़ां विच सफर करन वाले लोकां लई अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाउणा लाजमी रहेगा। ये भी कि कनेडा च अंतरराष्ट्रीय उड़ाणा वास्ते बीते 2 सालों तो बंद रखे जा रहे कुछ होर हवाई अड्डे भी खोले जा रहे हैं।